वेलकम टू एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम अपना टेलीकॉम फंडामेंटल का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इस सिलसिले की पहली वीडियो आपके सामने मौजूद है। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी इस कोर्स से रिलेटेड, तो मैंने आपको समझाया था कि भाई आपको ये कोर्स कहाँ मिलेगा। academy-khetri.com जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पर आप आओगे और ये कोर्सेज़ के टैब पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर टेलीकॉम फंडामेंटल का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो पूरा कोर्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ये जितने टॉपिक्स हमने अभी 3 से 4 महीनों के अंदर इनको कवर करना है सारे के सारे यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए हैं। और इसमें पहला टॉपिक हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ पर आज हम बात करेंगे। अच्छा, अभी इस पर कोई लिंक नहीं आ रहा, अभी जैसे ये वीडियो बन जाएगी मैं उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के साथ अटैच कर दूंगा। फिर आप जब इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वीडियो देख लोगे, तो इस तरह जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो तमाम के तमाम सारे लिंक जब तक हाईलाइट हो चुके होंगे, फिर आप जिस पर भी क्लिक करोगे डायरेक्ट आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी देख सकोगे और पूरा कोर्स देखना चाहो तो वो यहाँ से देख सकते हो। ओके जनाब, टॉपिक की जानिब मूव करते हैं और सबसे पहले तो लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि यार हम तो टेलीकॉम फंडामेंटल सीखने के लिए आए हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को क्यों सिखाने के लिए बैठ गए। तो जनाब, इसका जवाब मैं आपको टेलीकॉम की ही साइड से दूंगा। देखें, आप लोग जब भी बात करते हो टेलीकॉम सिग्नल की तो सिग्नल को आप इस तरह मेंशन करते हो, ये भी एक टेलीकॉम का सिग्नल है, सही है ना, और ये भी एक टेलीकॉम का सिग्नल है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी तकरीबन बराबर ही है, लेकिन आप ये देखो कि इसकी पावर लो है, लो पावर सिग्नल है, और ये बोलेंगे ये हाई पावर का सिग्नल है। हाई बात जहन में, या हम बोलेंगे कि ये एक सिग्नल हम ये बना देते हैं, तो ये भाई इसकी पावर तो लो है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पावर की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, हम यहाँ पे बात करते हैं अपना वोल्टेज की। तो भाई ये सारी की सारी क्या है, ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो इनको थोड़ा बहुत समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल मैं एक आध वीडियो के अंदर इसको निपटा दूंगा मैं, क्योंकि हमारा बेसिक टॉपिक तो खैर टेलीकॉम फंडामेंटल है, लेकिन चूंकि ये एक बुनियादी पार्ट है तो इसको समझना, थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन समझना और थोड़ा बहुत इनके बारे में जानना ज़रूरी है। देखें, आपके जितने भी सिस्टम हैं, चाहे PDH की बात करते हो, आप SDH की बात करते हो, आप ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम की बात करते हो, आप जीपॉन की बात करते हो, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम हैं। इनको आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्यों कहते हो, वो इस वजह से कहते हो इन जितने भी सिस्टम हैं इनको बैक साइड से आप जाके देखोगे तो इनका पूरा वहाँ पे कंट्रोलिंग कार्ड लगा होता है जिस पर आके आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपके 48 वोल्टेज नॉर्मली इस पर आके कनेक्टेड होते हैं। यानी इसको ऑपरेट करने के लिए, इस सिस्टम को बैक एंड पर ऑपरेट करने के लिए आप पावर प्रोवाइड करते हो, ये पावर इसके अंदर पूरे कंट्रोल कार्ड के अंदर जाती है जिसका पूरा मदरबोर्ड होता है, वहाँ पावर जाती है और उस मदरबोर्ड के अंदर पूरे पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, आईसीज होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, वो सारे के सारे इस पावर को यूटिलाइज करते हुए सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपके वॉइस सिग्नल को डेटा में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, डेटा सिग्नल को जो वॉइस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे होते हैं, सिग्नल की इनकोडिंग कर रहे होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो आपको पता है कि जितने भी सिस्टम जहाँ पे भी लगे हुए होते हैं वहाँ पे आप फुल टाइम फुल चिल माहौल फुल AC चला के रखते हो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे आके कंज्यूम हो रही होती है। तो ये पूरे पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं और ये सारे के सारे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, फ्रीक्वेंसी, इन तमाम के रूल्स को फॉलो करते हैं। बहरहाल हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको बेसिक बेसिक इनकी डेफिनेशन समझा दूंगा कि ये बेसिकली ये क्वांटिटीज़ हैं क्या क्या। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके बिहेवियर को या उसकी करेक्टरिस्टिक को बयान करने के लिए आपको ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज यूज होती हैं। तो हमारे जितने भी सिस्टम हैं ये सारे के सारे एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम हैं, तो और जो हमारा सिग्नल है वो भी इलेक्ट बाई नेचर इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, तो उन सबको समझने के लिए हमें इनको समझना ज़रूरी होगा। तो जनाब, ये थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है, इसमें मैं आपको ये समझा देता हूँ। अभी जिस तरह हमने कहा कि भाई हमारे जितने भी सिस्टम हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये बेसिक सा इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके सामने मौजूद है। इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते किसे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट मेनली चार पार्ट पर चार जो है ना इसके पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक कहलाता है सोर्स, जहाँ से आपकी एनर्जी जनरेट हो रही होती है, एक कहलाता है आपका स्विच, एक कहलाता है वो पाथ यानी रास्ता जहाँ से फ्लो होता है, और एक ये आपका लोड कहलाता है। लोड आपका जो है बल्ब भी हो सकता है, आपका फ़ैन भी हो सकता है, कोई कंपोनेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस भी हो सकती है जो एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, उसे हम कहते हैं ये लोड है। अब एनर्जी आती कहाँ से, इस सोर्स में से आती है। सोर्स में एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सोर्स क्या करता है,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो है कंडक्टर में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसमें मौजूद वोल्टेज जो है धक्का देता है इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है यहाँ से। सही है, तो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का कौन दे रहा है? वोल्टेज दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या लेके निकल रहे हैं यहाँ से? एनर्जी लेके निकल रहे हैं। और इस कहाँ से गुजर रही है? पाथ रास्ते से गुजरते हैं, गुजरते 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 स्विच जो है ये क्लोज, ये स्विच की ये वाली पोजिशन क्या कहलाती है? क्लोज। और ये वाली पोजिशन क्या कहलाती है? ओपन। ये क्लोज हो गया और ये ओपन हो गया। सही है, जब क्लोज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो हम बोलते हैं ये क्लोज सर्किट है। अब जब ओपन हो गया तो इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, हम बोलते हैं ये ओपन सर्किट है। अब जब क्लोज हुआ इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हुए, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते होते जब रास्ते में जाएंगे लोड आएगा, लोड कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, वो जस्ट लाइक एक रेजिस्टेंस के तौर पर बिहेव करता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। सही है, और ये क्या करता है भाई? इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रोकता है और इससे सारी एनर्जी ले लेता है, उनको खाली हाथ यहाँ से वापस लौटा देता है। अब इस एनर्जी को ये क्या करता है? या तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा या किसी मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देगा, और सारे इलेक्ट्रॉन खाली वापस आ जाते हैं, और ये सोर्स जो है दोबारा इनको एनर्जी एनर्जाइज करता है, दोबारा एनर्जी देता है, और वोल्टेज जो है दोबारा प्रेशर्स को देते हैं, और ये दोबारा निकल के पूरा रास्ता दोबारा कंप्लीट करता है ये। सही, तो ये साइकिल कब तक चलता रहेगा? जब तक यहाँ पे आपकी ये एनर्जी इसमें मौजूद है। अब इस चीज़ को हम वाटर टैंक की एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जिस तरह देखें वाटर टैंक होता है, इसमें पानी होता है ना, आपने वाटर टैंक को यहाँ से बंद किया हुआ है। सही, और जितने पानी जो है आपको पता है कि फिजिक्स आपने पढ़ी हुई, केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई, कि पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सब यहाँ पे जमा है, और आपको पता है ग्रेविटी जो होती है हर चीज़ को नीचे की जानी खींचती है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को भी नीचे जानी खींचती है। तो पानी के तह में यहाँ पर प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है, क्योंकि सारे पार्टिकल नीचे की जानब दब रहे हैं, सब नीचे की जानी दबा रहे हैं इसको, तो यहाँ प्रेशर। जैसे ही आप उसको खोलोगे ना, ये तेज़ी के साथ पानी यहाँ से पूरा स्पेशल ये पूरा निकल के जाएगा, लेकिन जिस जिस तरह ये लेवल कम होता जाएगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो पानी का ये फ्लो कम होता है, ये पानी आखिर में यहाँ पे टपकना शुरू हो जाएगा ये। सही, तो इसका मतलब क्या है? जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी इसके अंदर, उतना ही ज़्यादा प्रेशर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए जाएंगे, और जैसे एनर्जी ख़त्म हो जाएगी हम बोलेंगे कि यार अब यहाँ से प्रेशराइज नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन, अब करंट फ्लो नहीं हो रहा। आई बात जहन में, तो हमने दोनों का आपस में कंपेरिजन कर लिया। और वन मोर थिंग, कि ये रास्ता जितना देखो, ये पाइप जितना मोटा होगा उतना ही ज़्यादा पानी यहाँ से फ्लो होगा, तो इसी तरह ये रास्ता जितना अच्छा होगा, बगैर रेजिस्टेंस का होगा, वायर का डाया जितना बड़ा होगा, हम बोलते हैं कि यार 729 के वायर लगाओ घर के अंदर, मोटी वायर लगाओ, ताकि जो ज़्यादा लोड को बर्दाश्त कर सके, ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो फ्लो करवा सके। वायर जितनी पतली होगी उतने कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी, और वायर वहाँ पर गर्म हो जाएगी, क्योंकि सारी एनर्जी यहीं पर रास्ते में ड्रॉप हो रही है। वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि भाई रास्ता पतला होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगी, रास्ता ज़्यादा चौड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। अब इसको सर बाई डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से इसको हम देखते हैं ज़रा। वोल्टेज क्या? वोल्टेज इज़ द फोर्स दैट पुशेज इलेक्ट्रिकल चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट। यानी ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को पुश करती है, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है, हाँ भाई निकलो यहाँ से, तो वो वोल्टेज कहलाती है। करंट क्या है? करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं एनर्जी लेके सोर्स से, और निकलते हैं और पूरे पास से होते हुए जाते हैं, लोड के पास जाते हैं, पूरा वापस घूम के आते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल चार्जेज जो फ्लो हो रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या है? ये करंट है ये, और इसका यूनिट क्या होता है? एम्पेयर होता है। अब एक एम्पेयर कितना होता है, एक वोल्ट कितना होता है, इसके हम फर्दर डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होती है? रास्ते की रुकावट होती है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर रास्ते की रुकावट क्या है? रास्ते में रुकावट हमारे पास ये लोड है, जितना भी सब आ रहे हैं। देखो हमने समझो अच्छा वायर सब कुछ अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है, रेजिस्टेंस कम है, लेकिन ये लोड तो, ये तो अपनी रेजिस्टेंस मौजूद है ना, ये इसको रोकेगा, यहाँ पर एनर्जी ड्रॉप होगी और खाली इलेक्ट्रिकल चार्जेस यहाँ पे जाएंगे। तो अगर हम बाय डेफिनेशन रेजिस्टेंस को देखने चाहें, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ये इलेक्ट्रिकल करंट के रास्ते में जो एक अपोजिशन आती है रोकती है उसको, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसका यूनिट क्या? ओम है। यानी आपको बेसिक से तीन इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटीज समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं एसी और डीसी वोल्टेज में फ़र्क क्या होता है। जब भी हम वोल्टेज की बात करते हैं तो वहाँ पर एसी और डीसी वोल्टेज हमारे सामने आ जाते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? डीसी वोल्टेज वो होते हैं जो कि करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं, हम इसे कहते हैं ये डीसी वोल्टेज है। सही है, और एसी वोल्टेज क्या है? जो करंट को बोथ डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं, कभी एक साइड पे पॉजिटिव वाली साइड पे फ्लो करवाते हैं, कभी नेगेटिव वाली साइड पर फ्लो करवाते हैं। तो हम इसको ये देखो हम पूरे साइकिल से शो करते हैं यहाँ पे। हम कहते हैं देखो पहले एक दफ़ा हमने पॉजिटिव साइड पर फ्लो करवाया, फिर वापस नीचे आया जीरो हुए, फिर नेगेटिव वाली साइड पर
फिर पॉजिटिव वाली साइड पे फ्लो करवाया, फिर नेगेटिव वाली साइड पे, फिर पॉजिटिव वाली साइड पे फ्लो करवाया, यानी अप एंड डाउन मूवमेंट्स की चलती रहती है। तो इसमें कहते हैं ये एसी है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये। और डीसी जो होते हैं एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, सीधा 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 सीधा, ये डायरेक्ट करंट कहलाता है ये। अब ये दोनों हमारे टेलीकॉम इक्विपमेंट में इस्तेमाल होते हैं। डीसी कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो टेलीकॉम इक्विपमेंट है, बैक एंड पे जाके देखोगे, बोले लिखा हुआ होगा वहाँ पे 48 वोल्ट डीसी, यानी इतना वोल्टेज डीसी का, इतना वोल्टेज इतना प्रेशर दो ताकि हमारा ये सर्किट ऑपरेट हो सके। तो हमें फिर 48 वोल्ट डीसी वहाँ प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो हमारा इक्विपमेंट वहाँ पे काम करता है। अच्छा, और ये बिहेवियर हमें कहाँ पे मिलता है? ये वहाँ पे जितने भी हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, हमारे पास एनालॉग क्वान्टिटी होती है, वो इसी तरह हम उसी उसका बिहेवियर बिल्कुल सेम यही होता है, और कंटिन्यूसली वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही होती है। तो ये चेंजेस अभी हम आगे जब मॉड्यूलेशन वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर हम ये एसी ऑल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिव वोल्टेज की इस नेचर को हम वहाँ पे स्टडी करेंगे काफ़ी डीप में। अच्छा जनाब, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये होती है, हमने कहा कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है या अल्टरनेटिव वोल्टेज होता है, अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। सही है, ये अप एंड डाउन मूवमेंट जो होती है ना पर सेकंड, उससे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी अगर एक एक सेकंड के अंदर मूवमेंट ज़्यादा है तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी हाई है, एक सेकंड के अंदर मूवमेंट कम है तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी लो है। आप सपोज़ को लिए आपको पूरी साइकिल है, यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी साइकिल पूरी होते होते यहाँ तक समझ लो कि एक सेकंड का टाइम लिया इसने, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर ली इसने, ये 0 पॉइंट है। यहाँ से स्टार्ट हुई एक दफ़ा पॉजिटिव वाला और एक दफ़ा नेगेटिव, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा ये नेगेटिव, दो साइकिल कंप्लीट हुए, फिर एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, तीन साइकिल, यानी एक सेकंड में इसने तीन साइकिल कंप्लीट किया। और यही एक सेकंड अगर मैं नीचे लेके जाऊँ, यही इक्वल इसके लेके जाऊँ, हम बोलेंगे कि यार आधा साइड पॉजिटिव का, फिर एक पूरा साइड नेगेटिव का, सॉरी आधा साइड नेगेटिव का, एक साइड पूरा पॉजिटिव का, फिर आधा मजीद नेगेटिव का, तो आधा आधा मिला के एक नेगेटिव पूरा हो गया और एक पॉजिटिव पूरा हो गया, हम बोलेंगे एक साइकिल इसने कंप्लीट कर लिए। इसने तीन साइकिल कंप्लीट की एक सेकंड में, उसने एक साइकिल कंप्लीट की है, तो हम बोलेंगे कि यार इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है क्योंकि इसमें चेंजेस ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी लो है क्योंकि इसमें चेंजेस कम है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ का मतलब क्या है? एक वेव की लेंथ। एक वेव क्या होती है? ये 0 पॉइंट से स्टार्ट हुई, पूरी चली, फिर दोबारा 0 पहुंची और नेगेटिव पे चली और दोबारा, यानी एक पॉजिटिव ले साइकिल और एक नेगेटिव ले, ये पूरी एक वेव कहलाती है। इसकी एक लेंथ को हम कहते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ को आप यहाँ से यहाँ बोलो, आप ये भी इसका मेजर भी कर सकते हो, बोलोगे कि यार दो पॉजिटिव पीक के दरमियान का फासला ये वेव लेंथ कहलाता है, ओके नो इशू। दो नेगेटिव पीक के दरमियान का फासला ये वेव लेंथ कहलाता है, नो इशू। आप बोलोगे एक वेव स्टार्ट हुई, उसने पूरा पॉजिटिव साइकिल लिया और फिर पूरा नेगेटिव साइकिल लिया, एक वेव कंप्लीट हो गई, तो ये फासला जो ये भी वेव लेंथ कहलाता है। यानी वेव लेंथ की डेफिनेशन हम तीन तरीके से करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉजिटिव साइकिल्स, पॉजिटिव पीक्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिव पीक, या हम बोलेंगे एक कंप्लीट साइकिल की जो लेंथ है, इसको हम क्या कहेंगे? वेव लेंथ कहेंगे। अब आप देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी थी ना, तो इसकी वेव लेंथ छोटी है, इतनी सी वेव लेंथ है, सही है। लेकिन ये वाला सिग्नल है, इसकी वेव लेंथ देखो, या तो यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये इसकी वेव लेंथ है कंप्लीट, सही है, या एक इसकी पॉजिटिव से लेकर दूसरी पॉजिटिव, ये इसकी वेव लेंथ है, या इसकी एक नेगेटिव से लेकर ये नेगेटिव तक, ये इसकी वेव लेंथ है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन इसकी वेव लेंथ कितनी बड़ी है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन इसकी वेव लेंथ कितनी छोटी है। इसका मतलब ये कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी वेव लेंथ कम होगी, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी वेव लेंथ ज़्यादा होगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो आपका सिग्नल जो होता है बेसिकली इन नेचर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, इसके अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, इसके अंदर इसकी वेवलेंथ भी होती है। हम बोलते हैं कि ये देखो हाई हाई पावर का सिग्नल है, हम बोलते हैं कि देखो ये लो पावर का सिग्नल है, हम बोलते हैं कि ये देखो ये हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, सही। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको शो करती हैं कि आपका जो सिग्नल जो है वो एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, नंबर वन। और जो आपके सिस्टम ने जितने भी टेलीकॉम इक्विपमेंट हैं वो सारे के सारे बेसिकली इंटरनली वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स काम कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा आपको नॉलेज फिलहाल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की नहीं चाहिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और नहीं आई तो उसको दोबारा एक दफ़ा रिपीट करके देख लेना। शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी आपको लेकर आएंगे। शुक्रिया।